एक राजा बहुत दानी था, बहुत कुछ देता था। रोज सुबह 9 बजे अपने खजाने खोल देता था और लोग लाइन में लग के खजाना लेके जाते थे। उसी लाइन में एक व्यक्ति खड़ा था, जैसे ही उस व्यक्ति के पीछे को व्यक्ति आता, वो अपनी टर्न छोड़ के उसको अपने आगे कर देता था। एक और व्यक्ति आया, उसको भी उसने अपनी बारी दे दी, अपने आगे खड़ा कर दिया। और इस तरह से शाम को 5 बज गए, खजाने बंद हो गए और उस व्यक्ति की अपनी बारी तो आई नहीं। वो अगले दिन सुबह फिर 9 बजे लाइन में लग गया, फिर उसके पीछे कोई आता था, फिर वो अपनी बारी छोड़ देता था, उसको अपने आगे खड़ा कर देता था। और इस तरह से शाम को 5 बज गए, फिर उसकी बारी नहीं आई। कई दिन ऐसे चलता रहा तो उसके गार्ड्स देख रहे थे कि ये व्यक्ति रोज लाइन में खड़ा होता है, अपनी टर्न को छोड़ देता है, अपनी बारी किसी और को दे देता है, और ये कारण क्या है, ये खजाना लेके क्यों नहीं जाता। उसके ऊपर उनको शक हुआ, उसको अरेस्ट कर लिया, राजे के पास लेके गए। राजे ने पूछा कि तू यहां पर क्या करता है, तो उसने कहा कि राजा जी जो आप कर रहे हो वही तो मैं कर रहा हूं। राजे ने कहा मैं तो लोगों को खजाना दे रहा हूं। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि राजा जी जो आपके पास है वो आप दे रहे हो, जो मेरे पास है वो मैं दे रहा हूं। आपके पास खजाना है, आपके पास पैसा है, आप पैसा दे रहे हो, मेरे पास बारी थी मैंने अपनी बारी दे दी, मेरे पास टर्न थी मैंने अपनी टर्न दे दी। माय डियर फ्रेंड्स, ये स्टोरी हमें लाइफ का वो इम्पोर्टेंट मैसेज देती है जिसके कारण बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, समाज हो, दोस्ती हो, पॉलिटिक्स हो, आप किसी भी जगह पर हैं, आपकी ग्रोथ है। लोग आपको महान गिनना शुरू कर देते हैं, लोगों की नजरों में आप रेज हो जाते हो, आप लोगों की नजरों में बढ़ जाते हो। क्यों? क्योंकि देने वाला ही केवल महान कहलाता है, केवल गिवर ही महान कहलाता है। कभी किसी से सुना है कि वो व्यक्ति महान है क्योंकि वो सोसाइटी से कुछ लेता है? नो, हमेशा यही सुना है कि वो महान है क्योंकि सोसाइटी को कुछ देता है। जो आपके पास है देना शुरू कर दीजिए। आपके पास पैसा है, आपके पास समय है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास मुस्कान है, आपके पास रिगार्ड है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, जो भी दे सकते हो लोगों को देना शुरू कर दो। भगवान आपको कहीं ना कहीं से उसकी भरपाई कर देगा, चाहे वो पैसे के बदले में पैसा दे, या आपके हेल्थ बढ़िया हो जाए, आपके परिवार में खुशी आ जाए, आपको अच्छे बच्चे मिल जाए, अच्छे रिलेशनशिप मिल जाए, इज्जत मिल जाए, किसी ना किसी शेप में जो आपने समाज को दिया है वो रीपे हो जाता है। मुझे लगता है मैं अपना मैसेज दे पाया हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो इसको शेयर कर देना। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।